नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रैकेट लेट्स बिगिन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डाइपोल के आगे पढ़ने वाले हैं, डाइपोल की एप्लीकेशंस को देखेंगे, डाइपोल के इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। जब दोनों ही जोड़ों की शादी हो गई, जब दोनों ही एक बन गए, एक डाइपोल बन गया, तो वो अब किस तरीके से आने वाले तूफानों का सामना करेंगे। तो इनका हम सामना करवाते हैं, पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रख देते हैं और फिर देखते हैं ये किस तरीके से मूव करेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनका जो मोमेंटम होगा वो किस तरीके से होगा। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पर जो हम आज का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एप्लीकेशंस, और उसमें पहली एप्लीकेशन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगी डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, आप देख पा रहे हैं डाइपोल क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं, क्रैक इट। Now let's begin. तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम आज शुरू करने वाले हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो किस तरीके से होगा, हम मान लेते हैं कंसीडर अ परमानेंट डाइपोल, एक परमानेंट डाइपोल यानी जिनकी रजिस्ट्री हो गई है, परमानेंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है, इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिख रहा है कि एक डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सबको दिख रहा है। अरे भाई, फिगर इसके पीछे है, दिखेगा कहाँ से, चलो देख लेते हैं। ये देखो फिगर आ गया, देखो जरा इसमें, यहाँ पर समझते हैं पहले डायग्राम को तो अब ज़्यादा क्लियर होगा। कैसे, देखो जरा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, सभी को पता है ये पति है ये पत्नी जी है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने थीटा एंगल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया। आपको पता है कि दोनों ही डाइपोल के बीच की जो माइन्यूट सी डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं क्या, डी, या इसी को न्यूमेरिकली हम क्या कह देते हैं, 2a। इतनी कहानी तो पता होगी, बीच में डायपोल का होता है मिडिल पॉइंट। तो हम मान रहे हैं कि ये डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है। अब सोचो, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अब देखते जाना, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखो क्या हो रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, अब प्लस क्यू चार्ज ऐसा रखा हुआ, ये डायपोल ऐसा रखा हुआ, सोचो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी। तो सोचो यहां पर जो ऊपर वाला है ये प्लस क्यू चार्ज है, आपको डायग्राम में देख रहा हूं ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस डायपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी कि नहीं। जब इधर की तरफ, ऊपर वाले एंड पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है एफ, और वो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फोर्स लग रहा है किस पर लग रहा है, चार्ज पर, किसके कारण लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो कुछ याद आया बचपन में जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कुछ कुछ याद आया, कुछ ही कुछ याद रखना है, बस बस थोड़ा सा याद आ जाए। तो देखो E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्या ये नहीं हो जाएगा, तो देखो इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इसी साइड तो लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, और पॉजिटिव के चार्ज के कारण, अगर गौर से देखो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव के कारण क्या है, दूर की ही तो तरफ है, देखो जरा दूर की तरफ जा रही है कि नहीं, धक्का मार रही है इस वाले एंड। सोचो इस वाले डायपोल पर अगर ये इधर की तरफ धक्का मारेगी तो फोर्स लगाएगी, और वही फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, आई समझ में आई, जोर से आई, हाँ नहीं, चलो ये माइनस क्यू चार्ज है। अब सोचो अगर इस पर इस साइड फोर्स लग रहा है, भाई जितना फोर्स इस साइड लग रहा है वो उतना ही फोर्स इसके अपोजिट, क्योंकि ये तो स्ट्रेट है, स्टेट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो ऊपर वाले चार्ज को पॉजिटिव लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रहे हैं तो याद रखना पॉजिटिव से इस तरीके की तरफ, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ये एक स्टैंडर्ड फिनोमेना है किसी भी डेरिवेशन को करने का। तो ये स्टैंडर्ड हमारे सभी जितने भी फिजिक्स के साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने जो इंप्लीमेंटेशन किया है वो इसी तरीके से किया है। तो इसको अपने दिमाग में अभी से बिठा लो कि पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ रखेंगे, नेगेटिव चार्ज को नीचे की तरफ, बदल भी सकते हैं लेकिन फिर डेरिवेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से नजर आएंगे, इसकी सिंपलिसिटी रखो जीवन में तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखो क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, फोर्स लग रहा है और ये ओवरऑल डिस्टेंस है डी यानी 2a, समझ में आया। तो इधर अगर
एफ इज इक्वल टू क्यू ही लग रहा है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा? आप खुद सोचो, एक डंडा है उसमें इधर की तरफ फोर्स लगा तो नीचे से इधर की तरफ खिसकेगा कि नहीं? तो वही चीज हो रही है यहाँ पर कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड लग रहा है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ही। माइनस लगा दिया क्योंकि फोर्स यहाँ पर अपोजिट है, तो इस वजह से माइनस क्यू। आई होप ये चीज क्लियरली हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ देते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर क्या किया है, डायपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसका डायपोल मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है पी। और हम लोग वैसे भी बचपन से उसे आ रहे हैं, जानते ही डायपोल मोमेंट क्या होता है, मॉड ऑफ क्यू इंटू टू ए, यानी डायपोल की पूरी लेंथ, इतनी चीज जानते हैं। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, हमने एक लाइन स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इस माइनस क्यू चार्ज से ड्रॉ की। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है मेरे भाई, सोचो दिमाग लगाओ, जो कि हम लोगों के पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या हमने देखा, अगर ये एंगल थीटा है और ये लाइन हमने एक पैरेलल ड्रॉ कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए, अपने डेरिवेशन को करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पहले लाइन ड्रॉ कर ली। तो सोचो अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला भी थीटा नहीं होगा, बताओ जरा, होगा कि नहीं, सिंपल है। तो इसलिए ये वाला एंगल कितना मान लेंगे हम, थीटा, ये दिया हुआ। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें फोर्स से, हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए डाइपोल की, दोनों ही फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ। अब आप कहेंगे सर दोनों ही फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ का क्या मतलब है, क्या उल्लू बना रहे हो फालतू का? उल्लू नहीं बना रहे हैं मेरे भाई। ये देखो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये वाला फोर्स, और ये वाला भी फोर्स है, और ये फोर्स इसी लाइन के अलग तो लग रहा है, तो दोनों ही फोर्स की हमें लाइन ऑफ एक्शन को आपस में ज्वाइन करवाना है, क्योंकि इस डायपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, और दो फोर्स का मतलब होता है कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स एक नहीं लग रहा है, कपल पर फोर्स लग रहा है, इसलिए कपल ऑफ फोर्स, दोनों पे फोर्स लग रहा है, इस हस्बैंड पर भी फोर्स लग रहा है, वाइफ पर भी फोर्स लग रहा है, समझ में आई? तो इसलिए हम दोनों ही फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन निकालना चाहते हैं, ये फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो ये होगी, इन दोनों ही फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ। आई होप इस डायग्राम का जो मैंने कचूमड़ किया है वो कचूमड़ आपको अब समझ में आ रहा होगा। चलो इस कचूमड़ में झाड़ू लगा देते हैं, क्लियर हो गया पूरा का हुआ। चलो अब देखो आपने देखा ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये फोर्स की इस लेंथ को, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये जो होगी ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन होगी दोनों ही फोर्सेस की। चलो उस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जरा हमने यहां पर क्या किया, ये थीटा था और ये ओवरऑल डिस्टेंस डी जो थी वही तो हमारी 2a थी, ये जो डी थी। अब सोचो हमने अगर ये डी थी जो रेड कलर से अभी हाल इंडिकेट किया, तो ये वाली लाइन कितनी होगी, आप खुद सोचो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये पूरी डी है, ये थीटा है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, आपको सोचो। मैंने बताया था कि अगर कोई चीज ए है, ये ए है, और उसका अगर थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट निकालना हो तो क्या होता है, ए कॉस थीटा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हो, सोचो मेरे भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हो, यानी ये वाला तो क्या ए साइन थीटा नहीं होता था, जब ए साइन थीटा ये है तो क्या हम इसके पैरेलल ये वाली लाइन भी जो परपेंडिकुलर होगी उसको भी नहीं कह सकते ए साइन थीटा? अरे भैया अगर ऐसे ना रहो तो आप ट्रायंगल से मान के निकाल लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं, आप लोगों को पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम मान ले रहे हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, डी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। भाई आना चाहिए, कैसे भी आए, मेरे तरीके से नहीं आया, मैंने कहा था कि अगर ये एक्स है या ये बी है या ए है, तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट डायरेक्टली चला जाता है कॉज में, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चला जाता है किस में, साइन में। अगर ये तरीका नहीं आया तो भैया पुराने रीति रिवाज अपना लो, पुराने रीति रिवाज से लगा लो, तो ये पुराने रीति रिवाज से भी लगाया तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी डी साइन थीटा। तो देखो ये पूरी होगी डी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये डी थी तो ये थीटा था, तो ये कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा, बस हो गई कहानी।
हमें केवल और केवल इतना ही निकालना था, डी साइन थीटा और फोर्सेस के बीच की लाइन पता चल गई, तो कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो ये जो डी साइन थीटा है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों ही फोर्सेस के बीच की। एक फोर्स इस साइड में लग रहा है, आपको दिख रहा है, एक फोर्स इस साइड में लग रहा है और एक फोर्स इस साइड में लग रहा है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है दोनों ही फोर्सेस के बीच में। आई झप्पी कि नहीं झप्पी, झप गई होगी, समझ रहे हैं हम, ठीक है। चलो ये निकल के आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द फोर्सेस। चलिए इस चीज को अब हम आगे बढ़ा लेते हैं, देखो जरा इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं, डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा। देखो आप टॉर्क क्या होता है ये चीज समझो, देखो जब भी एक फोर्स लगता है तो वो फोर्स होता है, लेकिन जब भी कपल ऑफ फोर्स लगता है तो वहां पर टॉर्क जनरेट हो जाता है, और टॉर्क क्या करता है, किसी भी चीज को रोटेट करवाने का प्रयास करवाता है। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इसके अपोजिट लगा, आपने डायग्राम में देखा, तो इसको जो घुमाने का प्रयास करेगा, रोटेट करवाने का, ये कपल ऑफ फोर्स की वजह से, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, तो कपल ऑफ फोर्स की वजह से जो रोटेट करवाने का प्रयास करेगा वो टॉर्क होगा। भाई तो इस टॉर्क को तो निकाले कि कितना घूम रहे हैं दोनों पति पत्नी, जब एक फील्ड में जब उन्होंने तूफान का सामना किया तो कितने डेविएट हो पर, वो डेविएशन या जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रोटेट होने के लिए, वो फोर्स कितना है। तो मैंने क्या कहा कि वो टॉर्क कैसे निकालते हैं, क्योंकि टॉर्क इज अ फोर्स, टॉर्क इज जस्ट ओनली द फोर्स, लेकिन टॉर्क में दो फोर्स हैं तो दोनों फोर्स की कितनी डिस्टेंस है वो और यूज हो जाती, तो इसीलिए लिखा हुआ टॉर्क इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द फोर्स। और जो कि हम लोग निकाल चुके हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों ही फोर्सेस की, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, लेकिन फोर्स कौन से, दोनों ही फोर्स, अब दोनों फोर्स तो ले नहीं सकते क्योंकि टॉर्क तो टॉर्क है ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, दोनों ही फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे और एक कोई फोर्स ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको आगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हाल निकाली थी, हम लोग बचपन से टैलेंटेड है, टैलेंट कूट कूट के भरा है, मम्मी ने बहुत कूटा बचपन में, तो इसलिए टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इंटू ई इंटू डी साइन थीटा। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं आगे बढ़ जाते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2a, आपको ये चीज देख के समझ में आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही, सबको आ रही है, तेज आ रही है, ज्यादा तेज लगी हो तो हो जाओ, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a। चलो आगे देख लेते हैं, और डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a। अगर इस वाले में देखें तो देखो हम सारी वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं, पहले हमने फोर्स की वैल्यू की qe, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू की डी साइन थीटा, फिर हमने डी की वैल्यू की 2a, अब हम क्या करेंगे, q और 2a का मिलन करवा दो, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कुछ बनाने वाले हैं, तो डायपोल मोमेंट p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a। क्या q इंटू 2a की जगह पे हम p नहीं रख सकते हैं, बताओ भाई, रख सकते हैं। अच्छा तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या हो गया, q इंटू 2a की जगह पे हमने रख दिया p इंटू e, तो था ही साइन थीटा, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। तो समझ में आई, टॉर्क की कहानी केवल दो लाइन की थी, एक तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस, तो वो चीज हम लोगों ने निकाल ली, और फिर डी साइन थीटा रख दिया, डी की जगह पे 2a रख दिया, क्योंकि दोनों ही डायपोल की जो ओवरऑल लेंथ थी वो 2a थी। अब इसका वेक्टर नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, देखो ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा में आपको पता होगा, आपने जब वेक्टर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू, जिन जिन्होंने 11th में पढ़ा हो उन्हें याद आ रहा होगा, ए बी साइन थीटा होता है, तो इन दोनों ही को हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, देखो जरा टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो इसका जो वेक्टर नोटिफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस। एक चीज याद रखना, सॉरी फॉर दैट, इसमें क्रॉस लगाना भूल गए, आप लोग क्रॉस लगा लीजिएगा, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं, तो देखो फॉर्मूला याद रखना, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, इस वाले को सुबह शाम नहाने के बाद दोहराओ तो आपको मंत्र की तरह ये बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी वेक्टर क्रॉस, बार बार कह रहा हूँ भूलना नहीं,
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए तो टॉर्क की हमें डेफिनेशन भी पता चल गई। दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड, यानी यही टॉर्क होगा जो कपल ऑफ फोर्स होगा, जो डाइपोल तिरछा रखा हुआ है पति पत्नी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा हरकतें कर रहे हैं, तो इसलिए उसको फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। फील्ड इसी साइड में थी, डायपोल ऐसा था, तो फील्ड धक्का लगाएगी इस डायपोल को, घुमाने का प्रयास करेगी। और वो फील्ड किसकी मदद से घुमाने का प्रयास करेगी? इसी टॉर्क भाई की मदद से। तो बात समझ में आई, चलिए इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते। तो टॉर्क इज इक्वल टू का हमने देखा क्या फॉर्मूला हो गया, आपने देख लिया, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड हो गया डायग्राम। क्या हो गया? प्लस क्यू माइनस क्यू डी, ये थीटा, ये थीटा, ये एफ, ये एफ। तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्शन ऑफ, इसको ऐसा कह सकते हैं, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्शन ऑफ क्या? डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हुई होगी, समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर ई, समझ में आई बात, आई होप ये चीज अब आपके दिमाग में क्लियर हो गई हुई। तो हमने आज यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में टॉर्क का डेरिवेशन देखा, चलिए आगे बढ़ देते हैं इस डेरिवेशन के बाद। अब केसेस ऑफ टॉर्क क्या होंगे? देखो जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हम लोगों को पता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, हम लोग पूरी रात दिन रात दोहराएंगे अब इसको। देखो जरा, अगर ये जो डाइपोल है हमारा जो अभी थीटा एंगल पर रखा हुआ था, वो अगर फील्ड की डायरेक्शन में रख जाए, कैसे देखते हैं इसको डायग्राम में देखेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू क्या है? पी साइन थीटा। तो हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, देखो जरा यहाँ पर डायपोल इस तरीके से रख गया, ऊपर वाला जो था पॉजिटिव वो ऐसे हो गया और नेगेटिव वाला उसके पीछे हो गया। तो देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो इधर की तरफ होगी, पी माइनस क्यू चार्ज से हमेशा इसमें। तो देखो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, मतलब कि तो साइन जीरो, क्योंकि हमें इस वाले फॉर्मूले में रखना होगा, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द डायपोल और डायपोल मोमेंट पी आर इन सेम डायरेक्शन। केसेस पढ़ रहे हैं हम टॉर्क के, तो क्या होंगे? दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। अब जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में, भैया ऐसा सोचो, हम जैसे हैं, पीछे से हवा चल रही है ऐसी, हम ये खड़े हैं, ये पीछे से हवा आ रही है, सोचो इस तरीके से हवा आ रही है, सोचते जाना। और अगर हम फील्ड में लेट जाएं, इसीलिए कहा जाता है जब आंधी चलती हो, जिस डायरेक्शन में आंधी चल रही है तो उस डायरेक्शन में ही लेट जाओ, तो आपको आंधी का ज़्यादा असर नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर डायपोल डायरेक्टली फील्ड की डायरेक्शन में लेट गया। तो अब इस पर जो फील्ड लगेंगी, क्या इस पर कोई फोर्स लगाएंगे? भाई इसको घुमा पाएंगे? घुमाएंगी तो तब जब ये हरकतें कर रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा रखा हो, टेढ़ा मेढ़ा तो रखा नहीं है, सीधा सीधा रखा है, तो क्या हो जाएगा? ये जो फील्ड लाइंस आएंगी ये इसे घुमा नहीं पाएंगी, क्योंकि ये तो लेटा हुआ है। ये जब कोई एंगल बनाएगा फील्ड के साथ, तब इस पर फील्ड लाइन फोर्स, कपल ऑफ फोर्स यानी टॉर्क लगाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे इस डायपोल पर, अब देखो जरा सभी फील्ड लाइन इधर की तरफ है, डाइपोल भी इस साइड लेटा हुआ है। जैसे सपोज दैट हम ऐसे लेट जाए, ये देखो हम पसरे पड़े हैं ये, और यहीं की तरफ हवा चल रही है, सोचो हवा कुछ हमारा बिगाड़ पाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे हम उड़ रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं भाई, गौर से देखो। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। तो इस फॉर्मूले में रखो जरा साइन जीरो की वैल्यू, जब ये जीरो इस फॉर्मूले में रखा जाएगा तो ये सबको जीरो कर देगा, सबकी पूरे के पूरे नस्ते नाबूद मिटा देगा। तो देखो यहाँ पर क्या निकल के आता है, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आई होगी। पहला केस, केसेस ऑफ टॉर्क में हम और भी केसेस देखें, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क जीरो होगा, कब मिनिमम होगा, किस तरीके से। तो अभी फिलहाल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टॉर्क, सॉरी डायपोल रखा हुआ है, तो डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो उस पर कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। चलिए केस सेकेंड को देखो, जीरो पे था फील्ड की डायरेक्शन में था, अब हम डायपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। तो लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पी के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डायपोल और डायपोल मोमेंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो इसको डायग्राम से देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट पी है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। जी पी इस साइड में है, देखो जरा, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, पी इस साइड में है, दूसरे पेन से करें, चलो देख लेते हैं, ये देखो पी इस साइड में है और ई इस साइड में, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर ही तो हैं। ये जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो इसीलिए लिखा हुआ है पी एंड ई आर
परपेंडिकुलर, तब क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पी साइन 90, आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पी ई, केवल और केवल पी इंटू ई। तो यही जो हमारा टॉर्क होगा यही मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो याद रखना कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, पी इंटू ई। और टॉर्क जीरो कब होता है, जब वो फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो। मैक्सिमम कब लगेगा, अब आप खुद सोचो, ये आंधी चल रही है और आप ऐसे खड़े हो आंधी के, तो आंधी या जो हवाएं होंगी वो सबसे ज़्यादा फोर्स आप पे लगाएंगी कि नहीं, आपको गिराने का प्रयास करेंगी कि नहीं? आपने देखा होगा जो पेड़ सीधा खड़ा रहता है जैसे यूकेलिप्टस वगैरह का होता है, तो उस पर आंधी या हवा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही, ये पेड़ सीधा सीधा खड़ा है, ये पेड़ सीधा सीधा खड़ा है, तो इस पर अगर फोर्स या लाइंस इस तरीके से आ रही तो सबसे ज़्यादा टॉर्क जनरेट करेंगी, यानी घुमाने का मैक्सिमम प्रयास करेंगी। तो अगर आप मैक्सिमम टॉर्क को अनुभव कम करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को क्या करें, इस फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा झुका लें या सीधे सीधे हो जाए फील्ड की डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में हो जाए, तो आप इस मैक्सिमम टॉर्क से बच जाएंगे। जो लाइफ में होता है वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब निकल के आता है, याद रखना नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होती है और कितने एंगल पर निकल के आती है। तो आई होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए अगर 180 डिग्री पर डायपोल रखो, 180 डिग्री पर का मतलब क्या है, आपने देखा था अभी प्लस क्यू यहाँ था माइनस यहाँ क्यू इस तरीके से था, अब हम पूरे डायपोल को ऐसे रख देते हैं हवा के जस्ट अपोजिट, भाई लेटना है चाहे जैसे भी लेट जाओ, आप देखेंगे आप पे हवा नहीं असर करेगी, मतलब हवा ऐसी आ रही है तब लेट जाओ चाहे ऐसे लेट जाओ तब भी आप पे हवा ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो वही केस लिखा हुआ है कि अगर थीटा इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है, तो आप देख पा रहे होंगे साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो लिख सकते हैं हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डायपोल और डायपोल मूवमेंट, क्योंकि डायपोल को डायपोल मूवमेंट से ही डिनोट करते हैं, तो डायपोल मूवमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। किस तरीके से एंटी पैरेलल होंगे, चलिए देख लेते हैं डायग्राम में। तो देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को देखेंगे, देखो पी की डायरेक्शन तो इधर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ की तरफ जा रही है, तो देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, तो आप देख पा रहे होंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है डायपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके अपोजिट है, तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है कि नहीं, पी इधर और ई इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो साइन 180 लगाएंगे क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे 180 और 180 रखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, यानी जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो तब भी टॉर्क जीरो होता है। तो देखो आपसे पूछा जाएगा कि इन विच कंडीशन टॉर्क विल बी जीरो फॉर द डायपोल मूवमेंट, तो आप समझ सकते हैं जब आंधी की दिशा में लेट जाओ या उसके जस्ट अपोजिट लेट जाओ, बस लेट जाओ तो टॉर्क नहीं लगने वाला है, होता है कि नहीं। इसलिए आप देखते होंगे जब पहलवान होते हैं कुश्ती लड़ते हैं तो वहां पर वो सीधे सीधे लेट जाते हैं, बेटा अब उखाड़ दो क्या उखाड़ रहे हो, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पर हो जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियरली जा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग के सारे दरवाजे खोल दो तो सारी चीज़ें एक एक जगह एडजस्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 180 देख लिए, और घुमाएं इसको, अभी जीरो पे रखा फिर 90 पे रखा, 180 270 पे भी ले जाएं क्या, चलो आपके भी मन की कर देते हैं, देखो 270 पे ले जाते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो हम लोग देख चुके हैं, चलो थीटा इज इक्वल टू कितना हूँ 270 डिग्री, 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। भाई इतना तो होता है, जरा वेक्टर फॉर्म में बताओगे कोई, कमेंट बॉक्स में वेक्टर फॉर्म में आप जरूर बताइए टॉर्क का, ठीक है, चलिए आपका इंतजार करेंगे। चलिए देखते हैं, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन, अब 270 की माइनस वन हो गई, यानी कि क्या होगा, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है, ये जो है वो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। देखो पहले ऊपर प्लस क्यू था नीचे माइनस क्यू था जब 90 डिग्री पर रखा, तो अब हमने पूरा पलट दिया, तो पी की डायरेक्शन क्या होगी, पी की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट हो गई, तो यहाँ पर देखेंगे देखो पी इधर हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ और ई इधर है, ई की तो आपको डायरेक्शन दिख ही रही, तो क्या हो गया, हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डायपोल और डायपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लेकिन ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा अलग किस्म का है,
तो यहाँ पर पी क्या है, पी इधर है और ई इधर है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन 270 डिग्री। कंफ्यूज मत होना, 90 डिग्री में प्लस ऊपर था भाई, ऐसा था, प्लस वाला इसको मान रहे हो और नेव को हम माइनस क्यू चार्ज मान रहे हैं, तो हमने कहा था हमेशा प्लस वाला ऊपर रखना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट ऐसा हो गया, ठीक है, तो माइनस क्यू वाला ऊपर हो गया और प्लस वाला नीचे, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू की तरफ, तो आप इसलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो डायपोल मोमेंट है पी की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू से प्लस की तरफ, तो ये इधर है, वैसे नॉर्मली क्या होता था, प्लस क्यू ऊपर होता था भाई, ऐसे ही तो होता था, चलो बना देते हैं, डरो नहीं, आगे बढ़ो, ये हो गया प्लस क्यू, अभी तक हमने जो देखा था छोटा सा बनाएंगे, ये हो गया माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, कुछ यूं, ठीक है, नहीं, और पी की डायरेक्शन क्या थी, पी की कुछ यूं और ई की कुछ यूं, तो ये 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 नहीं, यहाँ पर हो रहा है 270 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये फील्ड की डायरेक्शन से ये एंगल कितना होगा, 270 डिग्री। आई होप ये चीज़ अब ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी की पूरी कहानी को रफ करने के बाद सबको बर्बाद कर दें पहले यहाँ पर। चलो अब देखो 270 डिग्री हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन 270 डिग्री। मैंने ये केस क्यों करवाया, बहुत सी बुक्स में ये केस नहीं दिए हुए, लेकिन फॉर द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन व्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करवाया, क्योंकि नीट NDA CDS बहुत जगह पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, धमाकेदार तरीके से पूछा जाता है कि टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर करवाया। तो चलिए आप देख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस PE, ये होता है मिनिमम टॉर्क। आपको बहुत सी बुक्स में दिखेगा कि टाउ इज इक्वल टू जीरो जब आता है, यानी कि जीरो कब आता है, जब उसकी फील्ड की डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल, तो पैरेलल एंटी पैरेलल पर मिनिमम नहीं होता है, लेकिन हाँ जीरो टॉर्क होता है, लेकिन मिनिमम टॉर्क कहा जाए तो 270 डिग्री पर होता है, ये चीज याद रखना, नीट वगैरह में ये चीज अपने माइंड में मेकअप करके जाना कि नेगेटिव टॉर्क 270 डिग्री पे होता है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर को हम यही टॉर्क तक रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा घूम लिया है, सारे केसेस पढ़ लिए हैं, तो टॉर्क यहां पर कंप्लीट करते हैं और अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। आप इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इससे ये एनिमेटेड तरीके से यहाँ पर लाभ हो सके। चलिए अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।